फ्रेंड, सत्येंद्र प्राइवेट आईटीआई के डिजिटल लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत। आज आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर लेके आए हैं, जो कि हम लोग 102 तक पिछले क्लास में पढ़ लिए थे। अभी 103 से आगे चलते हैं। तो देखिए, स्क्रीन पे दिया हुआ है क्वेश्चन 103 नंबर का क्या है। पाइनल में कीड़े और चूहे से केबल की रक्षा कैसे करते हैं, यानी कि यदि पैनल बोर्ड बनाया गया है उसमें कीड़ा और चूहा दोनों लग जाता है, इससे रक्षा करने के लिए कौन सा चीज का उपयोग किया जाता है। देखिए ऑप्शन में क्या है, ए नंबर क्या है, अस्तिन का उपयोग करके। ऑप्शन नंबर बी क्या है, क्रोमेट्स का उपयोग करके। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, केवल बंधन पट्टियों का उपयोग करके। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, नायलॉन केवल बंधन प्रयोग करके। यदि वायर में नायलॉन का बंधन प्रयोग कर देंगे तो और चूहा लगेगा, ये तो ऑप्शन हमारा डी नंबर ऐसे ही गलत हो गया। ऑप्शन नंबर सी क्या है, केवल बंधन पट्टियों का उपयोग करें। यदि केवल में पट्टी लगा देंगे फिर भी नहीं होगा, पट्टी भी तो काट देगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी भी नहीं होगा। उसके बाद ए नंबर क्या है, अस्तिन का उपयोग करके, यानी उसको ढक देंगे तो होगा नहीं होगा। क्रोमेट्स का उपयोग करके, क्रोमेट्स क्या होता है कि केबल में जैसे यहाँ से तार को पार कर रहे हैं उसमें प्लास्टिक का फाइबर का बना होता है, जो रबड़ लगा रहता है वो केबल को पूरी रूप से केबल को पूरा जो है पकड़ के रखता है। जब पकड़ के रखेगा तो उसको जगह नहीं मिलेगा अंदर घुसने का, तो क्या होगा, बचा जाएगा इसके द्वारा, क्रोमेट्स का उपयोग करके। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या होगा, सही होगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि नियंत्रण पट के लेआउट को डिजाइन करते समय किस आवश्यक विशेषता पर विचार किया जाना चाहिए, यानी नियंत्रण पट एक पैनल का बना रहे हैं उसको जब डिजाइन करेंगे तो उस किस चीज पे हमको ज्यादा प्रकाश डालना चाहिए, किस चीज पे। तो क्या ऑप्शन नंबर ए में क्या है, उचित प्रकार की सुरक्षा और माप प्रणाली, यानी एक ऑप्शन ए क्या कह रहा है, उचित प्रकार की सुरक्षा और मापन प्रणाली, यानी सुरक्षा के लिए और मापने के लिए दोनों के लिए बता रहा है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, अंदर के क्षेत्र और सामने पैनल में रोशनी को इंडिकेट करने की संख्या, यानी पैनल में अधिक रोशनी की संख्या बढ़ा देंगे उससे होगा। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है, ऑप्शन नंबर सी देखिए, लेपिंग और केबल हार्डनिंग की उपयोग विधि। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई और चौड़ाई और स्विंग क्षेत्र। तो देखिए, यदि किसी के आकार यदि हम बना रहे हैं तो क्या लेंगे, लंबाई लेंगे, चौड़ाई लेंगे और उसमें कितना जगह अंदर में चाहिए इसी को लेंगे, तब ना उसका बाहरी अंदर का केबल अंदर का जो है पैनल बोर्ड बनाएंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, कैबिनेट दरवाजे के बाहर लंबाई और चौड़ाई इसी का प्रयोग किया जाता है, जब यही मापेंगे तो इसी चीज को ना मापेंगे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि पावर और कंट्रोल वाइंडिंग्स अलग अलग रेस वेज में क्या चलते हैं, यानी पावर और कंट्रोल वाइंडिंग्स जो है दोनों अलग अलग चलता है, क्या चलता है। पहला ए नंबर ऑप्शन में क्या है, गर्मी को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी क्या है, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए। ऑप्शन नंबर सी क्या है, इंसुलेशन प्रतिरोध बढ़ाने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, धारा वहन क्षमता को बढ़ाने के लिए। कह रहा है पावर कंट्रोल वाइंडिंग्स जो है अलग अलग रेस वेज में बनाया था, यानी कंट्रोल वाइंडिंग जो बनाता है वो अलग अलग साइड की बनाया था, क्या करने के लिए, क्या करने के लिए बनाता है कि वहां पे जो है ऑप्शन नंबर बी क्या है, रेडियो हस्तक्षेप को कम करने के लिए, यानी वहां जो फ्लक्स की जो अथी होती है वो उसको कम करने के लिए बनाया था, किस ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया, सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मोटर दिशा क्यों नहीं बदल रही है,
क्या बता रहा है कि मोटर की दिशा क्यों नहीं बदल रही है अगर रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड यानी रिवर्स पुश बटन को फॉरवर्ड और रिवर्स कंट्रोल स्टार्ट स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है। यानी बता रहा है कि मोटर की दिशा क्यों नहीं बदल रही है कि यदि अगर पुश बटन को फॉरवर्ड दिशा में दबाया गया तो वह रिवर्स कंट्रोल स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में दबाया जाता है तो क्यों नहीं बदलता है, कारण क्या हो सकता है। ऑप्शन नंबर एक क्या बता रहा है, नो वोल्ट क्वाइल उर्जित नहीं है यानी नो वोल्ट क्वाइल में एनर्जी नहीं यानी करंट नहीं है इसके कारण हो रहा है। फिर ऑप्शन नंबर बी क्या है, फॉरवर्ड कनेक्टर में फॉल्ट है यानी फॉरवर्ड जो कनेक्टर लगा हुआ है यानी तो उसमें कहीं पे खुला हुआ है वो फॉल्ट है इसके कारण से वो मोटर की दिशा नहीं बदल रहा है। फिर अगला ऑप्शन क्या है, सी देखिए अगला ऑप्शन क्या है, रिवर्स कनेक्टर में इंटरलॉक के कारण। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, रिसीव कंट्रोलर के कंट्रोलर में कोई वोल्टेज मौजूद नहीं है यानी रिवर्स वाला कनेक्टर जो है उसमें कोई वोल्टेज नहीं है। लेकिन नहीं, रिवर्स वाला में वोल्टेज नहीं होगा तो फिर जो है वो सीधा भी तो नहीं घूमेगा, इसलिए क्या होगा, रिवर्स कनेक्टर में इंटरलॉक के कारण यानी रिवर्स वाला जो कनेक्टर है वो यदि इंटरलॉक होगा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा तो क्या होगा, वो फिर फॉरवर्ड में नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। फिर अगला क्वेश्चन चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एसी और डीसी मोटर में गति नियंत्रण के लिए कौन सी नियंत्रण प्रणाली बहुत कम बिजली की खपत करती है। यानी एसी और डीसी मोटर में गति को नियंत्रण यानी आरपीएम को घटाने बढ़ाने के लिए कौन सी प्रणाली को हम अपनाएंगे जो कि बिजली का विद्युत धारा का बहुत कम ही खपत होगा यानी स्पीड को बढ़ा भी सकते हैं घटा भी सकते हैं और बिजली की खपत भी क्या होगा कम होगा। तो कौन सा क्षेत्र करके कौन से चीज का उपयोग करके करते हैं, पहला ऑप्शन नंबर एक क्या है, क्षेत्र नियंत्रण यानी फील्ड में यदि हम वोल्टेज या करंट को लगाएंगे तो वहां से हमारा हो सकता है फिर इसमें भी तो अधिक बिजली की जरूरत पड़ेगा। फिर अगला क्या है, ड्राइव नियंत्रण और सी नंबर क्या है, वोल्टेज नियंत्रण और ऑप्शन नंबर डी क्या है, आर्मेचर नियंत्रण। यदि आर्मेचर के श्रेणी क्रम में भी प्रतिरोध को लगाएंगे फिर भी क्या होगा, हमारा प्रतिरोध अधिक जुड़ेगा तो वोल्टेज अधिक खाएगा, ये हमारा ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी क्या, वोल्टेज नियंत्रण यानी वोल्टेज को आगे पीछे करेंगे तो करंट भी ओपन डाउन होगा तो करंट भी अधिक खाएगा, ये भी हमारा नहीं होगा। ड्राइव नियंत्रण, यदि मोटर एक सामान्य स्पीड से चल रहा है उसमें पुली जो है उसको हम घटा बढ़ा देंगे तो हमारा बिजली का एनर्जी पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ड्राइव नियंत्रण यानी उसकी पुली की साइज को बढ़ा घटा देंगे तो हमारा एनर्जी पे यानी कि वोल्टेज पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है। ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है, तो देखिए ऑप्शन नंबर ए में हमारा क्या है, समूह ड्राइव, एक समूह में सबको जोड़ के फिर ड्राइव करेंगे। ऑप्शन नंबर बी क्या है, मैनुअल ड्राइव। ऑप्शन नंबर सी क्या है, व्यक्तिगत ड्राइव। और ऑप्शन नंबर सी डी क्या है, नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव। यदि एक समूह में ड्राइव करें क्या करें, ऑपरेशन के मोड के अनुसार किस ड्राइव को वर्गीकृत किया जाता है यानी किस ड्राइव को लगाएंगे जो कि एक साथ ड्राइव होते रहेगा, तो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी नियंत्रण ड्यूटी ड्राइव यानी एक नियंत्रण से वो लगा हुआ रहेगा तो वो क्या होगा, ऑपरेशन मोड के अनुसार वो ड्राइव होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखिए, डीसी ड्राइव में विशेषता वक्र का नाम क्या है। यहाँ पे ये जो फिगर दिया हुआ है ये वक्र दिया हुआ है, डीसी ड्राइव डीसी को ऑपरेट करने के लिए वक्र दिया हो गया है। अब ऑप्शन देखिए, ऑप्शन देखिए क्या है,
गति बना बलागुण, यानी गति का बलागुण, उसके बाद बलागुण क्षेत्र धारा यानी क्षेत्र का धारा यानी करंट फील्ड का करंट दिया है। फिर अगला ऑप्शन क्या है, गति आर्मेचर धारा यानी आर्मेचर में जो धारा है उसके अनुसार, फिर क्या फील्ड धारा वाहन आर्मेचर। तो यहाँ पे फिगर जो दिया हुआ है ये देखिए क्या है, यह गति गति का बलागुण दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, गति बलागुण। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है, एसी ड्राइव के ब्लॉक आरेख में एक्स के रूप में चिन्हित घटक का नाम क्या है, यानी एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। ये ब्लॉक डायग्राम से हम लोग समझेंगे कि ये एक्स जहां पे चिन्हित किया गया है वो क्या चीज दिया गया है। देखिए यहाँ पे एक ब्लॉक डायग्राम दिया गया है और ये जो डिवाइस लगाया गया है बता रहा है कि ये कौन सा डिवाइस लगाया गया है, ये कौन सा डिवाइस लगाया गया। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, एक एसी का सिंबल है जो हमारा क्वेश्चन बोल रहा है डीसी, ये तो हमारा नहीं होगा, ये क्या है एसी, और ये क्या है डायोड लगा हुआ है ये, और फिर यहाँ क्या है एमजी मोटर, एम दिया हुआ है मोटर, एसी मोटर लगा है, और यहाँ देखिए डीसी और एसी दोनों दिया गया है, यानी ये कन्वर्टर है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है और डीसी को एसी में कन्वर्ट करता है। लेकिन यहाँ पे जो दिया गया है यहाँ पे कुछ आपको सिंबल नहीं दिया गया है। तो देखिए जब यहाँ से डीसी देंगे तो ये इधर ही जाएगा, यहाँ डायोड लगा हुआ है इसमें जाएगा, और इधर से भी यदि हम देखते हैं, इधर से भी देते हैं, इधर से एसी मोटर लगा हुआ है तो यहाँ से एसी आएगा तो ये क्या होगा डीसी, फिर यहाँ भी क्या आ जाएगा डीसी। तो ये एक समझ रहते हैं कि दोनों साइड से यहाँ पे क्या आ रहा है डीसी, तब डीसी आ रहा है तो ये क्या हो सकता है। ऑप्शन से अब देखते हैं हम लोग, डिस्चार्ज धारा, डीसी बस वायर, इन्वर्टर और एसी मोटर। देखिए एसी मोटर तो हमारा ये हो गया, इन्वर्टर जो एसी को डीसी, डीसी को एसी में करता है, ये तो हमारा ये हो गया डिस्चार्ज धारा, ये तो हमारा ये हो गया। तो ऑप्शन नंबर सी क्या है, डीसी बस वायर, ये क्या हो जाएगा हमारा डीसी बस वायर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जनरेटर के लिए प्राइमरी मूवर के रूप में उपयोग किए जाने वाले उपकरण, यानी जनरेटर में जो है किस चीज, इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, यानी इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिक ड्राइव क्या है, यानी इलेक्ट्रिक ड्राइव कैसे करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है, जनरेटर के लिए प्राइम मूवर के रूप में उपयोग किए जाने वाला उपकरण, यानी जनरेटर में जो है प्राइमरी मूवर के रूप में जो उपकरण प्रयोग किया जाता है वो है इलेक्ट्रिक ड्राइव नहीं। दूसरा क्या है, एसी उपकरण, एक उपकरण एसी को डीसी आपूर्ति में परिवर्तित करता है यानी एमजी से। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, मोटर को नियंत्रित करने के लिए विद्युत यांत्रिक उपकरण। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, एक मशीन यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या है कि सी नंबर, मोटर को नियंत्रित करने के लिए एक विद्युतिक यांत्रिक उपकरण है इलेक्ट्रिक ड्राइव। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है कि डीसी ड्राइव में बीओपी का पूर्ण रूप क्या है, बीओपी का पूर्ण रूप क्या है, बेसिक ऑपरेशनल प्लान, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, बेसिक ऑपरेशनल पैनल, बेसिक ऑपरेशनल पैनल है। तो हमारा ये क्या है, इसका बीओपी का फुल फॉर्म बेसिक ऑपरेशनल पैनल। और फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, डायनेमिक ट्रांजिस्टर के अनुसार
ड्राइव का वर्गीकरण कौन करता है, यानी डायनेमिक जो है डायनेमिक्स और ट्रांजिस्टर के अनुसार ड्राइव कौन करता है। इसमें ड्राइव कौन करता है, ए नंबर क्या है, शॉर्ट टाइम ड्यूटी ड्राइव, यानी शॉर्ट टाइम में ड्यूटी ड्राइव। ऑप्शन नंबर बी क्या है, विराम ड्यूटी ड्राइव। और ऑप्शन नंबर क्या है, सी क्या है, स्वचालित नियंत्रण ड्राइव। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या है कि स्वचालित नियंत्रण ड्राइव, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है, डायनेमिक और ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर और डायनेमिक, इसलिए ये हमारा सही नहीं होगा सी नंबर, क्योंकि स्वचालित ये नहीं होता है। ट्रांजिस्टर तो आ जाएगा लेकिन डायनेमिक्स जो है ये नहीं आएगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या, परिवर्तनीय स्थिति नियंत्रण ड्राइव, यानी परिवर्तन कर सकते हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या, कंट्रोलर का क्या कार्य है, पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है। ऑप्शन नंबर एक में क्या है, नो लोड की स्थिति में एक अलार्म बजता है, यानी अलार्म बजता है किसमें, पावर कंट्रोलर में। अगला ऑप्शन नंबर क्या है, यह मोटर की ओर ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। और ऑप्शन नंबर सी क्या है, यह क्षणिक संचालन के दौरान मोटर करंट को कम करता है। और ऑप्शन नंबर डी क्या है, यह कम वोल्टेज की स्थिति में बालाघूर्ण को बनाए रखता है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए, ड्राइव सर्किट में पावर कंट्रोलर का क्या कार्य है, पावर कंट्रोलर जो है उसका क्या कार्य है, कि यदि पावर कंट्रोलर से यह पता कर सकते हैं कि मोटर में ओवरलोड की स्थिति को पता लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, ओवरलोड की स्थिति को पता लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो गया, मोटर की ओवरलोडिंग स्थिति का पता लगाता है। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसी ड्राइव में वी बाय एफ यानी वोल्टेज अनुपात को स्थिर रखना क्यों आवश्यक है, यानी स्टेट, ऑप्शन नंबर ए क्या है, स्टेटर फ्लक्स को अधिकतम रखें। ऑप्शन नंबर बी, न्यूनतम रोटर धारा बनाए रखें। ऑप्शन नंबर सी, मोटर की गति नियत बनाए रखने के लिए। और ऑप्शन नंबर डी, सभी गति पर स्टेट बलाघूर्ण बनाए रखें, यानी कि सभी वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, वोल्टेज बटे फ्रीक्वेंसी को यदि करेंगे तो वो क्या करेगा, सभी जगह पे बलाघूर्ण और गति दोनों को क्या करेगा, वो सामान्य रूप से बनाए रखेगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, सभी गति पर स्टेट बलाघूर्ण बनाए रखता है, यानी किसी भी स्थिति में वो उसका गति जो है सामान्य रहेगा। तो फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। तो किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया है इलेक्ट्रिक ड्राइव में, पहला क्या है, साइक्लो कन्वर्टर, दूसरा क्या है, ऑप्शन नंबर बी, आवृत्ति गुणा, ऑप्शन नंबर सी, चरण अनुक्रमा सूचक, और ऑप्शन नंबर डी, सर्वे नियंत्रण वोल्टेज स्टेबलाइजर। तो यहाँ पे क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक ड्राइव सिस्टम में किस पावर मॉड्यूलेटर का उपयोग किया जाता है। पावर मॉड्यूलेटर तो हमारा क्या है, साइक्लो कन्वर्टर, यानी कि यह कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक को ड्राइव करने के लिए, कन्वर्ट करता है कौन, मॉड्यूलेटर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए, साइक्लो कन्वर्टर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या है कि ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदन इकाई कार्यरत है। संवेदन इकाई क्या कार्यरत है? ऑप्शन नंबर ए ऑप्टो कपल, यानी ऑटो कपल जो कपलिंग लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गति संवेदन। ऑप्शन नंबर सी फोटोवोल्टाइक सेल। और ऑप्शन नंबर डी प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर, यानी प्रतिरोध तापमान डिटेक्टर। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा ऑटो कपलर, यानी कपलर करने के लिए बता रहा है। ड्राइव सिस्टम में किस प्रकार की संवेदनशील इकाई है, यानी कि ड्राइव करेंगे तो वहां क्या ड्राइव होगा? गति ड्राइव होगा। कपलिंग तो वो अपने जगह पर स्थिर रहेगा, लेकिन ड्राइव क्या होगा? गति होगा। ऑप्शन नंबर बी क्या है? गति संवेदन। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? औद्योगिक में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है, यानी मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव, यानी इलेक्ट्रिक को ड्राइव करना है किसमें? मोटर में। तो किसका उपयोग किया जाता है? पहला घूमने वाली मशीन, दूसरा एयर कंप्रेसर, तीसरा शेयरिंग मशीन, और चौथा डी हो गया भारी कार इलेक्ट्रिक ड्रिलिंग मशीन। यानी क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा क्या है? औद्योगिक में किस प्रकार की मशीन मल्टी मोटर इलेक्ट्रिक ड्राइव के साथ प्रदान की जाती है। तो इलेक्ट्रिक ड्राइव किस प्रकार से प्रदान की जाती है? घूमने वाली मशीन, यानी वो घूमेगा तब ना कार्य करेगा। तो ये क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एडी करंट ड्राइव के लिए किस यांत्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? एडी करंट, हिस्टेरेसिस लॉस, एडी करंट हम लोग पढ़े हैं ना, तो वो क्या है? एडी करंट के लिए किस यांत्रिक प्रणाली का उपयोग किया जाता है? स्लिप कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? स्लिप कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर बी क्या है? रेक्टिफायर कंट्रोलर। ऑप्शन नंबर सी क्या है? एसी वोल्टेज नियंत्रण। और ऑप्शन नंबर डी क्या है? डीसी चॉपर नियंत्रण। तो यहाँ क्या कह रहा है? एडी करंट ड्राइव के लिए किस नियंत्रण प्रणाली का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पे क्या है? स्लिप कंट्रोलर। स्लिप कंट्रोलर का प्रयोग क्या था? ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा? स्लिप कंट्रोलर। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? डीसी ड्राइव के नियंत्रण पट में जेओजी कुंजी का उद्देश्य क्या होता है? ये क्या कहता है? जेओजी इंचिंग ऑपरेशन है। ये क्या है? एक ऑपरेशन है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? मोटर बंद करने का इंडिकेट करता है ये जेओजी। ऑप्शन नंबर बी क्या? मोटर को पुनः भार करने के, यानी मोटर लोड में चल रहा है फिर उसको हटा दिया गया फिर उसमें भार डालने के लिए। फिर ऑप्शन नंबर सी क्या है? इंचिंग ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर डी क्या? मोटर की दिशा बदलने के लिए। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है? इंचिंग ऑपरेशन के लिए। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। फिर अगले टॉपिक के साथ और अगले क्वेश्चन के साथ अगले दिन हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।